हेलो फ्रेंड, दिस राजेश गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोटर साउंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और वीडियो काफी दिन बाद आ रही है तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि चलो अब मैं वीडियो अपनी अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो काफी दिन बाद आ रही है। टॉपिक्स मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं जिन पर मुझे वीडियो बनानी है, बट आपको पता है जैसा ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का रीजन है, वो कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी में पावर ही नहीं आता है। इंजन बन गया, सब हो गया, गाड़ी में पावर नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल दे रही है, मिस फायर कर रही है, कई बार तो स्पार्क प्लग काला चल रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले उसका करंट चेक करते हैं, और करंट चेक करने के बाद देखते हैं स्पार्क प्लग से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है, स्पार्क प्लग खराब हो चुका है। फिर क्या करते हैं, स्पार्क प्लग लाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं और लगा देते हैं, फिर भी सेम समस्या रहती है। फिर हम सोचते हैं कि सीडीआई खराब होगी, इग्निशन कॉइल खराब होगी, या हमारी गाड़ी की कॉइल प्लेट खराब होगी। ये सब सही रहने के बाद भी हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते जो सही में खराब रहता है। वो रहता है, कोई नहीं सोचता कि प्लग कैप खराब होगा। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, करंट नहीं आ रहा था। मैंने प्लग कैप निकाली, वायर से चेक किया तो बहुत जबरदस्त करंट आ रहा है। स्पार्क प्लग लगाने के बाद चेक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। मैंने सोचा चलो स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया होगा। दूसरा स्पार्क प्लग लाया, उसको चेक कर रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी। और आपको एक बेहतरीन चीज बताऊं, ये जो स्पार्क प्लग बने होते हैं ना, ये हर गाड़ी के हिसाब से बने होते हैं। इनका अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके इधर के करंट को इधर पहुंचाएंगे। अदरवाइज कोई भी तार को आप कनेक्टिविटी में चेक करेंगे ना, जैसे मैं अपने मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पे ला लूं, एक बीप आ रही होगी आपको, लेकिन इसमें अगर दोनों की कनेक्टिविटी चेक करेंगे ना तो बीप नहीं आएगी। देखो नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो मैं बता दूं कि मेरा जो स्पार्क प्लग था उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। चलो पहले उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको 20K पे सेट कर लेंगे, 20 किलो ओम्स पे सेट कर लेंगे, और आप देखेंगे कि इनका रेजिस्टेंस कितना है। तो इसका कोई भी छोर लगा सकते हैं आप, इस साइड रेड लगा सकते हैं या इस साइड लगा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखिए 20 किलो ओम्स, 200 किलो ओम्स पे भी ले जाएं तो भी इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। वैसे ही हम, ये स्विस कंपनी का है, ये एक्चुअली ओल्ड स्टॉक है, मतलब पहले जो स्कूटर्स में, और स्कूटर नहीं, पहले जो राजदूत राजदूत में यही लग के आता था। इसका वैल्यू चेक करेंगे तो देखिए 7.25 किलो ओम या 7.767 के बीच में दिखा रहा है, मतलब ये परफेक्टली वर्किंग है। वैसे ही हम इसको चेक करेंगे, ये जो है ये स्विस का है, ये भी जो है ये शॉर्ट हो चुका है, देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ये जो है ये यामा जेन्युइन है, और इसको लगाने के बाद मेरी गाड़ी में करंट ही नहीं आ रहा था। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि अंदर ये इसके रहता क्या है, और मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। चलिए इसको तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर रहता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, 20 किलो ओम पे सेट कर लेंगे। ये 2 किलो ओम हो गया, 20 किलो ओम, 20 किलो ओम पे सेट कर लिया। अब सबसे पहले जो अपन ये देखेंगे, ये जो है ये स्विस कंपनी का है, स्विस कंपनी का है, तो चलो इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, मतलब कि ये खराब हो चुका है। उसके बाद ये जो है ये भी स्विस कंपनी का है, इसका चेक करते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 8 और 10 करीब करीब दिखा रहा है। देखो 8, 18, 19, यानी ये भी फॉल्टी है, ये लगाने से गड़बड़ हो सकता है, पिस्टन में छेद हो सकता है या गलत करंट दे सकता है, तो ये भी खराब है आपका। अब ये जो है वो, ये जो है ये हीरो कंपनी का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हीरो का, इस पे ये जो है ये हीरो कंपनी का है, इसको चेक करते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है 4.8
8-9 दिखा रहा है ना, 4 से 5 के बीच में, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। हीरो होंडा शाइन का चेक करते हैं, ये शाइन का स्पार्क प्लग है। तो इसका जो है 5.20 दिखा रहा है। तो जैसा जैसा रजिस्टेंस वैल्यू बढ़ता है ना, उतना करंट कम होते जाता है। तो अगर इसमें मान लो फॉर एग्जांपल कि ज्यादा करंट आ रहा है, तो ये रजिस्टर क्या करेगा, इसको कम करंट पास ऑन करेगा। तो इसका वैल्यू कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, तो ये कम करंट पास करेगा, ये थोड़ा सा अच्छा पास करेगा। तो बेटर यूज के लिए आप जो है ये हीरो कंपनी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेम रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो जो जेन्युइन यामा का जो आता है उसमें भी आता है। आपने देखा कि उसमें करंट नहीं आ रहा था, उसके बाद मैंने उसको तोड़ा, आपने वो भी देखा। एक्चुअली ट्यूब के टाइम वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, वो क्लिक नहीं हो पाया और मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये सारे टुकड़े पड़े हुए हैं उसके। अब इन सब में क्या क्या निकला, ये तो आप जानते हैं, ऊपर का कवर है, ये निकला एक, ये निकला जिसमें हमारा स्पार्क प्लग फंसा है। तो इसकी भी कनेक्टिविटी चेक करें, तो ये भी क्या करता है, करंट को इधर से उधर भेजने का काम करता है। दूसरा चीज होता है ये नट, ये जो स्क्रू जैसा होता है, दूसरा ये जो स्क्रू जैसा होता है, इसमें भी कनेक्टिविटी रहती है। देखिए इसमें भी कनेक्टिविटी की बीप आएगी। उसके बाद यहाँ एक स्प्रिंग लगा होता है ऐसा, ये दोनों स्प्रिंग के बीच में, ये इस तरह से एक स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग के बीच में ये ऐसा छोटा फ्यूज सा फंसा होता है, ये देखिए फ्यूज फंसा होता है। अब इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं, गुल इसमें कनेक्टिविटी नहीं रहती। यही होता है जो आपकी कनेक्टिविटी को शो नहीं करता, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस आपको कैसा समझा, एक रजिस्टर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्टर होता है ना, जो अपन जिससे इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं, हम डायरेक्ट प्लग में लगा के चेक करते हैं करंट क्यों नहीं मारता, लाइट जल जाता है उसमें कि इसमें करंट आ रहा है, पर आपको करंट क्यों नहीं मारता, क्योंकि उसके बीच में एक लाइट और जो जो उसका पिन होता है ना, पिन के बीच में और लाइट के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है। वो रजिस्टर क्या करता है ना, उस करंट को उतनी ही आगे बढ़ाता है जितनी उस लाइट को चाहिए। अब बताओ 240 वोल्ट को वो 1K 2K में लाके छोड़ देता है, मतलब आप सोच लो कि कितना कम करंट वो पास करता है। वैसा ही ये एक रजिस्टर का काम करता है, ये जितनी करंट आपकी गाड़ी को चाहिए ना उतना ही भेजता है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल इसमें कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद सॉरी इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, 20 किलो ओम्स सेट करना मल्टीमीटर आपको। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है, कहीं पे कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा है, मतलब इसमें या तो कार्बन आ गया था या इसका जो स्प्रिंग है वो डिसकनेक्ट हो गया था। अभी इसने जस्ट शो किया था, हाँ अभी भी शो कर रहा है ये, देखिए अगर मैं इसका, मतलब ये कभी शो कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। ये यही कारण था कि मेरी गाड़ी में जो है करंट जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। देखिए 4.89 का कर रहा है, और जब हमने पहले चेक किया था तो बिल्कुल इसका रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा था, 1 ही दिखा रहा था। अभी ये 4.89, मतलब इसके बीच में जो स्प्रिंग था या इसकी यहाँ से कनेक्टिविटी कहीं तो भी जो थी वो खराब हो चुकी थी, इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था। जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी ये छोर पे हम यहाँ लगाएंगे, दूसरे छोर से चेक करेंगे कितना आया, 4.89, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है अभी। ठीक है, ये कहीं कहीं पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, 4.89 अब ये काम, मतलब इसमें जो स्प्रिंग लगा था या तो उसका प्रॉब्लम था या किसी और चीज का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हम सही तरीके से उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। वहीं ये खराब वाला है, सॉरी ये अच्छा वाला है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दिखाता है, इसमें 8 और 9 के बीच में कुछ दिखा रहा है रेजिस्टेंस, मतलब है ये बहुत अच्छा क्योंकि ये पुराने टू स्टॉक के हिसाब से बना है,
इसलिए उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पहले की गाड़ियों में करंट कम होता था। और इसको चेक करेंगे तो देखिए ये खराब है। तो देखिए आपने देखा जब मैंने इसको पहले दिखाया था इस कैप को तोड़ने के पहले, तो इसमें वन शो हो रहा था, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस वैल्यू शो नहीं हो रहा था। और अब इसमें जो है रेजिस्टेंस शो होने लगा है, मतलब इसके बीच में एक्चुअली ये कैसा रहता है ना, ये लगा ये रहता है कैप के अंदर ये वाला, इसके बाद इसमें ये लगा होता है, इसके बाद में यहाँ कहीं स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के बीच में ये फंसा हुआ होता है, कभी कभी स्प्रिंग भी नहीं होता, ये डायरेक्ट ही लगा होता है इस तरह से, ऐसा कुछ। यहां से करंट आता है, ये एक रजिस्टर टाइप का काम करता है जो करंट को इधर से इधर पहुंचाता है, जितना उसको उसका रेजिस्टेंस वैल्यू उतना उसको पहुंचाता है। अगर इसमें से कहीं कुछ आपका कार्बन आ गया या खराब हो गया तो प्लग कैप जो है उतना अच्छा करंट नहीं दे पाती है जितना उसको देना चाहिए। तो फिर क्या होता है, हमारी गाड़ी में एवरेज नहीं आता, पावर नहीं आती, पिकअप नहीं आता, तो ये भी एक इशू रहता है। तो कभी भी अपने प्लग कैप को लगाएं, जो गाड़ी में रिकमेंडेड है वही लगाएं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा रहता है। और अगर वो खराब हो गया तो उसको चेक कर लें, अगर वो कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो आपके करंट को पास ऑन ही नहीं कर पाएगा जितना उसको चाहिए, और इस तरह से आपकी गाड़ी सही तरीके से नहीं चलेगी, स्टार्टिंग ट्रबल देगी, या तो फिर स्टार्ट नहीं होगी, या तो पिकअप प्रॉब्लम आएगा, या तो स्पार्क प्लग काल आएगा, ये सारे इश्यूज होंगे, क्योंकि पूरी तरह से फ्यूल जल नहीं पाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा, तो गाड़ी आपका एवरेज भी नहीं देगी, पावर भी नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। और आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप फॉलो कर लीजिए, फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।